अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। अच्छा जी, क्लास एक थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दोबारा मैं आपको दूं कि कोशिश किया कीजिए कि 9 बजे आप लोग जो है वो ज्वाइन कर लिया करें, ताकि हमारे पास जो टाइम है वो सेफ रहे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज हमारे पास थर्ड लेक्चर मैथमेटिक्स का। प्रीवियस क्लास हमारी इंट्रोडक्शन थी, जिसके अंदर हमने पेपर पैटर्न के बारे में और कुछ अपने सिलेबस के बारे में जो मैथमेटिक्स का है उसके बारे में डिस्कस किया था। टुडे जो हमारा लेक्चर है वो सेट जो यूनिट नंबर 1 है उसमें जो है उससे कंसर्न करता है, ठीक है। अच्छा बेटा, आवाज का जो है ना हमारी तरफ से जो है, क्योंकि अच्छा बेटा वेट कीजिएगा, मैं चेक करती हूँ जरा आवाज का। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे योर थर्ड लेक्चर जो कि मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 1 से कंसल्ट है उसके बारे में हम देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स देखिएगा, हमारे पास जो हम अच्छा जी स्टूडेंट्स, हमने जो अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक्स रीड कर लिए हैं उसके अंदर हमने सेट को रीड किया था, हमने उसके अंदर एक्सप्रेशन ऑफ सेट्स को कि किस तरीके से सेट्स को लिखा जाता है, टाइप्स ऑफ सेट्स को हमने, फिर उसके साथ उनके फंक्शंस देखे थे, यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस का देखा था, जो सब्ट्रैक्शन का था, उसके बाद सिमेट्रिक डिफरेंस का जो था वो हमने देखा था। नेक्स्ट हमने पावर सेट्स बनाए थे, फाइनाइट, इनफाइनाइट जो था वो हमने रीड किया था। नेक्स्ट हमने डी मॉर्गन्स लॉ, जो कि आपके पेपर के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम पेपर के लिए, उसको हमने रीड किया था, देखा था। नेक्स्ट जो आज हमारा टॉपिक है वो है, नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वो है कार्टेजियन प्रोडक्ट। हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ये देखें क्लास को ज्वाइन होने में और वॉइस नहीं आने में बड़ा टाइम लग जाता है, तो थोड़ा सा काइंडली बड़ी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि टाइम पर जो है वो क्लास को ज्वाइन कर लिया कीजिए। अच्छा, हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको पेपर पैटर्न बताया था और आपके सिलेबस के बारे में बताया था। आज जो हमारे पास लेक्चर है वो है, हमारे पास जो न्यू टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाऊंगी वो है कार्टेजियन प्रोडक्ट, ऑर्डर्ड पेयर, डोमेन एंड रेंज, ठीक है। कोशिश करेंगे कि आज की क्लास के अंदर हम इन तमाम टॉपिक्स को कवर कर सकें। तो सबसे पहले तो हम आते हैं, हमारा जो पहला यहाँ पर जो टॉपिक है वो कार्टेजियन प्रोडक्ट। कार्टेजियन प्रोडक्ट, देखिए प्रोडक्ट मीन्स तो आपको समझ में आता है कि हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात कर, जबकि यहाँ पर जो है बेटा आवाज का इशू जो है अब आपकी तरफ से, क्योंकि यहाँ की स्पीड चेक कर ली गई है, तो
अच्छा जी, आपके स्क्रीन पे आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन नजर आ रही है, उसमें है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड ए क्रॉस बी, यानी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो कैसे डिनोट किया जाता है ए क्रॉस बी के, इज द एलिमेंट ऑफ ए आर फर्स्ट एंड द एलिमेंट बी आर सेकेंड। क्या मतलब कि जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास दो सेट प्रेजेंट होते हैं और इन दो सेट्स के दरमियान जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो जो पहले सेट के मेंबर्स हैं वो दूसरे सेट के मेंबर्स के साथ पेयरिंग कर रहे होते हैं। फिर मैं बात कह रही हूँ पेयरिंग कर रहे होते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते। मल्टीप्लाई का तो मतलब है ना आप एक साथ, जैसे यहाँ पर ये ए बी लिखा हुआ है तो अगर मैं मल्टीप्लाई में लिखती तो बीच में कॉमा नहीं आता, ये ए बी होता। तो मैंने यहाँ पे बात की क्रॉस प्रोडक्ट की या कार्टेशियन प्रोडक्ट की, तो मतलब यहाँ पे ये है कि ए सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो बी सेट के एलिमेंट के साथ पेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे? पेयरिंग करेंगे, और कैसे करेंगे वो आप देखिएगा। इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि दो सेट्स के एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ पेयरिंग कर रहे होते हैं, और जो पेयरिंग करने से जो ये आपके पास ये मेंबर्स आते हैं ब्रैकेट्स में, स्मॉल ब्रैकेट्स में, इनको कहा जाता है ऑर्डर्ड पेयर। और इनको ऑर्डर्ड पेयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन एलिमेंट्स को ऑर्डर से लिखा जाता है। हमेशा पहला एलिमेंट जो होता है किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का वो पहले सेट से बिलोंग करता है, सेकंड जो है वो सेकंड सेट से बिलोंग करता है। अब आइए इधर, इन सेट बिल्डर नोटेशन ए क्रॉस बी, अगर हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है ए कॉमा बी, तो जो ए होगा ए हमेशा ये जो फर्स्ट पोजिशन पे आपको जो नजर आ रहा है ये बिलोंग करेगा ए सेट के साथ, और अच्छा जी हमारा जो स्टार्ट है वो इसी पेज से है, जो हमारा जो टॉपिक है स्टार्ट है वो इसी पेज से है, तो आप इसी पेज पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। यहाँ पर देखिएगा कि हमारे पास यहाँ पर है ए क्रॉस बी। अब देखिए एग्जाम्पल, जब तक देखिए मैथमेटिक्स में तो है, जब तक आपने एग्जाम्पल से नहीं समझना, आपने खुद से इसको काम नहीं करना, तो ये बात आपको समझ में भी नहीं आएगी कि मैं क्या कह रही हूँ। अच्छा जी एग्जाम्पल देखिए, लेट ए, हमारे पास अगर एक सेट है और उसके अंदर दो मेंबर्स मौजूद हैं एच और टी, और दूसरा सेट है बी और उसके अंदर मेंबर्स मौजूद हैं 1 2 3 4 5 6, और आपसे कहा जा रहा है कि आपने ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए ए का सेट और बी का सेट, ए का सेट बी के साथ क्रॉस कराएगा कैसे, लिखने का मेथड भी सुनिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले आपने कर्ली ब्रैकेट लिया, इसके बाद एच क्रॉस हुआ वन के साथ, देखिए एच क्रॉस हुआ वन के साथ, यहाँ पर बीच में कॉमा है, ये याद रखिएगा, आपने इसको मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में नहीं लिखना है, ये पोजिशनल फॉर्म के अंदर होता है कि फर्स्ट पोजिशन पे एच एंड द सेकेंड पोजिशन पे आपके पास वन, यानी अब एच देखिए पहले सेट के साथ बिलोंग कर रहा है और वन जो है वो सेकेंड सेट के साथ बिलोंग कर रहा है। इसके बाद एच का जो क्रॉस होगा वो टू के साथ होगा, फिर एच जो है वो क्रॉस होगा थ्री के साथ, इसी तरीके से एच क्रॉस होगा फोर के साथ, और एच क्रॉस होगा फाइव के साथ, और एच क्रॉस होगा सिक्स के साथ। तो आपके जो ऑर्डर पेयर बन रहे हैं वो एच वन एच टू एच थ्री एच फोर एच फाइव एच सिक्स टी वन फिर टी, देखिए एच का हो गया, अब आपने टी को करना है, टी क्रॉस हो रहा है वन के साथ, टी क्रॉस हो रहा है टू के साथ, टी क्रॉस हो रहा है थ्री के साथ, टी क्रॉस हो रहा है फोर फाइव एंड सिक्स, इस तरह से आपके ये टोटल ऑर्डर्ड पेयर बन गए। अब यहाँ पर देखिए कि अगर मैं इसी स्टेटमेंट को ए क्रॉस बी को चेंज कर दूं, अब मेरे पास क्या, अच्छा हमने ऑर्डर्ड पेयर बनाया, मैंने आपसे कहा था कर्ली ब्रैकेट लेंगे, इस तरह से स्मॉल ब्रैकेट, हर स्मॉल ब्रैकेट्स के दरमियान कॉमा, ये कॉमा सारे कॉमा, जब आपके सारे ऑर्डर्ड पेयर बन गए तो लास्ट में भी आपकी कर्ली ब्रैकेट आ गया। ये लिखने का पैटर्न है, आपने काम बड़े परफेक्ट वे के अंदर करना है, ये आपने काम किया। फिर नेक्स्ट आइए बी क्रॉस ए, मैंने स्टेटमेंट की ऑर्डर चेंज कर दिया, यानी बी का सेट पहले आया और ए का सेट बाद में। अब पहला जो है मेरे पास बी का सेट है, वन होगा एच के साथ, यानी पहला मेंबर अब
जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो वन है और जो सेकंड पोजीशन पे है वो एच है, तो वन हुआ एच के साथ, ठीक है ना। फिर वन हुआ आपके पास डी के साथ, यहाँ आ गया आपके पास, ठीक है ना। इसी तरीके से वन बाय वन आपने वन को एच से करवाना है, वन को टी से करवाना है, टू को एच से करवाना है, टू को टी से करवाना है, थ्री को, इस तरह से आपके सारे पास ये ऑर्डर्ड पेयर बने। अब सुनिएगा, अगर आप से कोई पूछे क्या ए क्रॉस बी का आंसर बी क्रॉस ए के बराबर है, तो आप बोलेंगे नहीं, क्यों, मेंबर्स तो इनके अंदर सेम है लेकिन इनका ऑर्डर सेम नहीं है। देखिए यहाँ पर मेरे पास जो पहला ऑर्डर पेयर है एच कॉमा वन, जबकि इसका पहला ऑर्डर पेयर है वन कॉमा एच। यहाँ जो फर्स्ट पोजिशन पे है वो एच है, यहाँ की फर्स्ट पोजिशन पे वन है, तो ये पोजिशनल सेम नहीं है। तो जब आपके पास ऑर्डर पेयर के अंदर पोजिशन के अंदर पोजिशनल सेम ना हो, उनके पोजिशन सेम ना हो, तो ऑर्डर पेयर एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, यानी यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या, जैसे अगर मैं इसको मल्टीप्लीकेशन के लिए लिखती, अगर ये कार्टेजियन प्रोडक्ट नहीं होता, ये मल्टीप्लीकेशन होता और यहाँ पे होता टू मल्टीप्लाई बाय थ्री, तो इसका आंसर होता सिक्स, ठीक है ना। और यहाँ होता है थ्री मल्टीप्लाई बाय टू, तो इसका भी आंसर होता है सिक्स। तो यहाँ पे होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो मल्टीप्लीकेशन के लिए, एडिशन के लिए, यूनियन के लिए को फॉलो करती है। लेकिन कार्टेजियन प्रोडक्ट में क्योंकि तरतीब चेंज हो जाती है, पोजिशन चेंज हो जाती है, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। अब दूसरा हमारे पास एक और बड़ा अच्छी बात ये कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एमसीक्यूज के अंदर क्वेश्चन आ गया और आपको आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है, आपको सिर्फ इतनी बात आपसे पूछी गई है कि आपके पास दो सेट हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है। सेट ए के अंदर टू है मेंबर्स, सेट बी के अंदर थ्री मेंबर्स हैं। आप सिर्फ ये बता दीजिए कि इसके कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। बड़ा आसान है, सिंपल क्या है, नंबर ऑफ ए के एलिमेंट्स मैंने कहा टू, बी के एलिमेंट थ्री, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, टू थ्री जा सिक्स, क्या आंसर आया, सिक्स। तो आप क्या कहेंगे कि हमारे पास कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, सिक्स। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर आल्सो इसको नोट कीजिएगा, यहाँ पे आपके पास क्या है, सेट ए के मेंबर्स और यहाँ पे सेट बी के मेंबर्स, और यहाँ पर इन दोनों मेंबर्स कितने हैं, जैसे दोनों मेंबर्स को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो सिक्स आ गया आपके, सिक्स टू जा ट्वेल्व, तो ये आपके पास टोटल कितने आ गए के अच्छा जी ओके, मैं रिपीट कर रही हूँ। देखिए जब हम कार्टेजियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो हम कैसे करते हैं, ये देखिए एच क्रॉस वन, एच क्रॉस टू, एच क्रॉस थ्री, एच क्रॉस फोर, एच फाइव, एच सिक्स, जितनी पॉसिबिलिटी है वो हम क्या करेंगे यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। और इसे अच्छा जी नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि हम ये देखते हैं कि हमारे पास हर सेट में कितने, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ए सेट है, ए सेट के अंदर कितने मेंबर्स मौजूद हैं, टू, ठीक है। बी सेट है, इसके अंदर कितने मेंबर्स मौजूद हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ओके। आपसे सिर्फ इतना क्वेश्चन कोई पूछे कि इनमें कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, तो आप क्या कहोगे, इसके टू हैं, इसके सिक्स हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिक्स टू जा ट्वेल्व, आप कहेंगे कि आपके पास यहाँ पर ट्वेल्व ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई तो मुझे ओके का चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, ठीक है। अच्छा एक चीज बड़ी एक और इम्पोर्टेंट कि अगर मैं कार्टेजियन प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रही हूं कि ओके अच्छा सेट बिल्डर नोटेशन, सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर आपको सिर्फ यहाँ पर ये बताया गया है कि जब भी आपके पास पेयरिंग होती है, थैंक यू बेटा, जब भी आपके पास पेयरिंग होती है तो यहाँ पर ये ऑर्डर्ड पेयर अगर आपके पास ए और बी बना है तो हमेशा जो पहली पोजीशन पे जो सेट का जो मेंबर
ऑर्डर्ड पेयर में लिखा होता है ए बिलोंग्स टू ए, यानी ये जो पहला मेंबर होता है वो बिलोंग करता है पहले सेट से, यानी जो जो भी होगा वहां पर ए बी सी कुछ भी, ठीक है। और जो दूसरा मेंबर होता है वो सेकंड सेट से, जो यहाँ पर बी है तो यहाँ पे लिखा है बी बिलोंग्स टू बी, यानी जो सेकंड मेंबर है वो दूसरे सेट से बिलोंग करता है। और इनको ऑर्डर्ड पेयर, सबसे मैं आपको एक और चीज बताऊं कि इनको ऑर्डर्ड पेयर कहा इसलिए जाता है कि ये ऑर्डर में लिखे होते हैं। आप देखें ना ऑर्डर, इसका ऑर्डर कहीं चेंज नहीं हुआ। आपने कहा एच वन तो पहले हमेशा पहले सेट का मेंबर आएगा, दूसरा जो है वो सेकंड सेट का आएगा, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। अब आइए मैं आपको एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट ये बताऊं कि अगर आपका कार्टेजियन प्रोडक्ट किसी नल सेट के साथ निकल रहा है, ये भी आपके पास एमसीक्यूज में आ सकता है कि आपके पास एक सेट है उसके मेंबर्स जो हैं 2, 4, 6 कुछ भी हो सकते हैं, और उनका कार्टेजियन प्रोडक्ट किसी एक नल सेट के साथ है, तो कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे? आप बोलिए कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको अपने फॉर्मूले से देखते हो तो देखिए पहले के अंदर तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 मेंबर्स हैं लेकिन दूसरे में 0 है तो 2 × 0 क्या आएगा आपके पास? 0 ही आंसर आएगा। तो कार्टेजियन प्रोडक्ट नल सेट के साथ नहीं बनता है, ये याद, ये देखिए ये नॉलेज है आपके पास, ठीक है ना। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिखी है, लेट ए सेट है ए बी और बी है 2, 4 और आपको मालूम करना है ए क्रॉस बी। तो आपने क्या, अब तो आपको समझ में आया होगा आई थिंक, और जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, देखें आपकी प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है, मैं तो आपको समझाऊंगी लेकिन आपकी प्रैक्टिस आपको और मजीद सिखाएगी, आपको स्ट्रॉन्ग करेगी, जितनी अच्छी प्रैक्टिस उतना अच्छा आपका मैथमेटिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर बनाने का मेथड क्या है? सबसे पहले मैंने आपसे कहा कर्ली ब्रैकेट लिया आपने, ठीक है, ए क्रॉस बी है तो पहले मैंने ए का सेट लिखा क्रॉस और यहाँ पे बी का सेट। अब देखिए ए 2 के साथ पेयरिंग की कॉमा, अच्छा स्मॉल ब्रैकेट यूज की। अच्छा एक चीज जरूर याद रखिएगा और बहुत ये मिस्टेक होती है बच्चों को बार बार, इस चीज की मैं तंबीह भी करती हूँ कि आपने जब भी ऑर्डर्ड पेयर के लिए बनाने के लिए जो ब्रैकेट यूज करना है ये स्मॉल ब्रैकेट करना है, आपने कर्ली ब्रैकेट नहीं करना है। कर्ली ब्रैकेट आपके पावर सेट के लिए यूज होते हैं, इसमें नहीं होता। अब आपने सबसे पहले किया ए 2 ए 4 इसी तरीके से बी 2 बी 4 टोटल पॉसिबल जितने भी आपके ऑर्डर्ड पेयर बन सकते थे, कार्टेजियन प्रोडक्ट बन सकते थे, वो आपने बना दिए। और अगर मैं इसको फॉर्मूले में देखूं तो यहाँ 2 मेंबर्स हैं, यहाँ पे भी 2 मेंबर्स हैं, 2 और 2 कितने होते हैं 4, और कितने ऑर्डर्ड पेयर बने 1, 2, 3 एंड 4। ओके आई बात समझ में। नेक्स्ट आइए B क्रॉस है, मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, यहाँ पे A क्रॉस B था तो यहाँ पे क्या आ गया B क्रॉस A। तो पहला सेट मैंने क्या लिखा, B का लिखा क्रॉस और फिर मैंने A का लिखा, तो यहाँ पे देखिए 2 क्रॉस A 2 क्रॉस B, ठीक है ना, 4 क्रॉस A 4 क्रॉस B। एक चीज जरूर देखिएगा, मैं यानी यहाँ पर मैंने इसलिए इस तरह से लिखा है कि आपको पता चले दोनों एलिमेंट्स के दरमियान कॉमा है, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बता रहा है ये फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में नहीं है। फिर हर ऑर्डर पेयर के दरमियान कॉमा जो है वो प्रेजेंट है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट है और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट है। चलिए जी अब आइए जो असल मुझे यहाँ पर एक चीज समझानी थी, हुई कि आपने ए क्रॉस बी के ऑर्डर पेयर देखे और आपने बी क्रॉस ए के ऑर्डर पेयर देखे, दोनों के ऑर्डर पेयर के अगर मैं एलिमेंट्स देखूं तो सेम है लेकिन इनका ऑर्डर सेम नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, यहाँ पे हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, यानी ए क्रॉस बी के जो ऑर्डर पेयर हैं वो बराबर नहीं है बी क्रॉस ए के। अब आ जाइए, हमने प्रीवियस क्लास के अंदर फंक्शंस पढ़े थे, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड सिमेट्रिक डिफरेंस। एक्सरसाइज नंबर 1.3 को कार्टेजियन प्रोडक्ट के साथ उन फंक्शन से लिंक कर दिया गया है। कैसे? अगर आप यहाँ पर एक क्वेश्चन देखें, लेट ए ए बी बी 2, 2, 3 एंड C, 3, 4 फाइंड। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है मुख्तलिफ फंक्शन के साथ दिए, जैसे पहला क्वेश्चन है ए क्रॉस बी यूनियन सी, दूसरे में ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, तो ये स्टेटमेंट आपने देखनी होती है कि हम किसको, आप जैसे पहली स्टेटमेंट में अगर देखूं तो पहले मेरे पास ब्रैकेट में बी यूनियन सी है तो पहले मैं क्या मालूम करूंगी, बी यूनियन सी, ठीक है। उसके बाद जो है मैं
यहाँ पर ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी फाइंड आउट करने के बाद इन दोनों के आंसर्स के क्या फाइंड आउट करूंगी, यूनियन फाइंड आउट करूंगी। तो मुख्तलिफ आपके पास यहाँ पे फंक्शंस के साथ क्वेश्चंस प्रेजेंट इस तरह से, यहाँ पे देखिए ए क्रॉस बी माइनस सी, ठीक है ना, ए क्रॉस सी माइनस बी, ए क्रॉस बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी। तो अब जो है मैं इसमें आपको नेक्स्ट बताती भी हूँ, देखिएगा कि यहाँ पर आपके पास ए क्रॉस, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन मैं ये कर रहा हूँ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, अब यहाँ पर आपके पास आ गया, अब ब्रैकेट के अंदर बी इंटरसेक्शन सी है, ठीक है ना। तो हमने ही पहले क्या किया, फर्स्ट वी फाइंड बी इंटरसेक्शन सी, तो मैंने पहले बी का सेट लिखा फिर सी का सेट, इंटरसेक्शन आपको मालूम है कि कॉमन 3 5 दोनों के अंदर कॉमन है, तो हमने यहाँ पर कॉमन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट कर लिया। अब इस आंसर से मैंने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है ए सेट के साथ, तो नेक्स्ट मेरे पास जो स्टेटमेंट है वो लिखी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो मैंने यहाँ पर ए का सेट लिखा और यहाँ पे बी का बी इंटरसेक्शन सी का सेट लिखा। अब यहां पर आपके पास आया देखिए ए थ्री एक्स थ्री एक्स फाइव वाई थ्री वाई फाइव, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, अब हमारे पास ए क्रॉस बी माइनस सी है, तो आपको फिर वही बात, पहले मैं फंक्शन करूंगी उसके बाद मैं क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ आऊंगी। अब मेरे पास फंक्शन यहाँ पे क्या है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है बी माइनस सी, तो यहाँ पर आप देखिएगा ए क्रॉस बी माइनस सी, और फिर हम यहाँ पे करेंगे फर्स्ट वी फाइंड बी माइनस सी, देखिए बी में से सी को माइनस करना है, तो आंसर 3 5 दोनों के अंदर कॉमन है कैंसिल, तो सिर्फ जो बी का मेंबर बचा है 1 वो मैंने लिखा यहाँ पर, और फिर उसको ए के साथ क्रॉस करवाया। देखिए यहाँ पर b माइनस सी, ओके ना, b माइनस सी, मैंने b में से c को माइनस करवाया, तो 3 5 दोनों के अंदर कॉमन, इनको हटा देंगे। अब जो सिर्फ b सेट का मेंबर बचा हुआ है ना 1, उसको लिखेंगे। अब उसको a के साथ करवाया, तो देखें x1 और y1, ओके, ये हमारे पास हुआ इसका फंक्शन। नेक्स्ट आओ आप a क्रॉस b सिमेट्रिक डिफरेंस b, सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है, आपने देखें हमने उस डिफरेंस में तो सिर्फ एक सेट के रेस्ट ऑफ मेंबर लिखते हैं, लेकिन जब हम सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो दोनों सेट्स होते हैं उनके जो मेंबर्स रह जाते हैं उनको लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस फंक्शन को पहले अटेम्प्ट करते हैं हम यहाँ पे बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी को, तो 3 5 दोनों के अंदर कॉमन, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4 दोनों के जो मेंबर्स रह गए इनको हमने एक सेट में करके लिखा, ये इसका सिमेट्रिक डिफरेंस है, यानी 1 4 इन दोनों के अंदर अनकॉमन है, आपने इसका सेट बना लिया। इसके बाद आपने ए क्रॉस बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी इसके आंसर से क्रॉस करवाया एक्स वन, ठीक है ना, एक्स फोर वाई वन वाई फोर, तो टोटल आपके पास ये क्या बन गया, इसके ऑर्डर्ड पेयर आ गए। अच्छा, ये एक फॉर्मूला जो अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर आपके पास सेट्स के अंदर मेंबर्स कैसे पता चलेंगे कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, जैसे सेट ए है उसके अंदर 3 मेंबर्स हैं और सेट बी है उसके अंदर 2 मेंबर्स हैं, तो 3 × 2, इससे आप क्या कर सकते हो, ये बता सकते हो कि इसमें इतने, यानी जब हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो इसके 6 ऑर्डर्ड पेयर जो है आपके पास बनेंगे, ठीक है। अब ऑर्डर्ड पेयर आइए, ये ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन वैसे तो मैं आपको वजह से बता चुकी हूँ, लेकिन इसमें फिर भी देख लीजिए कि एन ऑर्डर्ड पेयर इज अ पेयर ऑफ नंबर इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, ठीक है। अभी मैंने आपसे कहा स्पेसिफिक ऑर्डर पोजिशनल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 2 and -4 12 आर ऑर्डर्ड पेयर, द ऑर्डर ऑफ 2 नंबर इज इंपॉर्टेंट, 1 2 इज नॉट इक्वलेंट टू 2 1, देखिए ना 1 2 इज नॉट इक्वलेंट टू 2 1, ये भी मैंने आपको बताया क्योंकि 1 की पोजीशन पे यहाँ 1 है, यानी फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ 1 है और यहाँ की फर्स्ट पोजीशन पे 2 है, तो ये पोजिशनल सेम नहीं है, तो कभी भी ऑर्डर्ड पेयर एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। जो सेकेंड डेफिनेशन है ये ज्यादातर जब हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे पढ़ेंगे इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में, तो ये डेफिनेशन आपको और क्लियर होगी कि एन ऑर्डर्ड पेयर इज अ कम्पोजिशन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट abscissa and y coordinate having two values written in a fixed order within parenthesis, ठीक है, parenthesis के लिए कोई परेशान मत है, ये small small bracket जो है वो ही आपके पास जो है उसको कहा जाता है, ठीक है ना, parenthesis means small bracket, ओके, आई बात समझ में। abscissa means जो first position पर element होता है, ordinate means जो second position के ऊपर element present होता है, ओके okay?
ये इंशाल्लाह ताला ये आपको बड़ा मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगी जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे इन ऑर्डर्ड पेयर की, तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगी यहाँ पर एक टॉपिक है डोमेन और रेंज का, इसको सुन लीजिए। जब हम ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर में जो पहली पोजिशन पे एलिमेंट्स होते हैं इनको कहा जाता है डोमेन। अब जैसे यहाँ पे 1, 2, 1, 3, 2, 2, 2, 3, 3, 4, तो यहाँ पर डोमेन सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट इन ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर के अंदर जो फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो जो भी आपके पास पेयर उन ऑर्डर पेयर के अंदर जो भी सेट बन रहा है उसको क्या कहा जाएगा, डोमेन। यानी डोमेन पोजीशन पे यहाँ पर 1 मौजूद है, 2 मौजूद है और 3 मौजूद है। इसके बाद देखिए मैंने एरो से इसको वाजे किया है, आई होप कि आप इसको समझ सकोगे। जैसे यहाँ पे 2 है, 3 है, 2 है और 3 और 4 है, तो ये आपके पास जो है ये वाई ऑर्डिनेट, ये इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगी मैं नेक्स्ट में वाई ऑर्डिनेट क्या है, तो इनको कहा जाता है रेंज। तो ये आपके पास एमसीक्यूज में आता है और एमसीक्यूज में आपको कहा जाता है कि आप जो है वो डोमेन बता दीजिए, एप्सिसा। ओके ओके, देखिये एप्सिसा कहते हैं इसको, ये जितनी भी लिखे हुए ना डोमेन के जो वैल्यूज हैं ये एप्सिसा हैं, और ऑर्डिनेट कौन सी हैं, जो रेंज वाली वैल्यूज हैं, ठीक है इनका। यानी सेकंड नेम आप समझ लीजिए, जो फर्स्ट पोजीशन पे वो क्या है आपके पास एप्सिसा और ऑर्डिनेट क्या है आपके पास। अच्छा आप सुनिएगा स्टूडेंट्स, ये आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको अपनी अपनी कॉपी के अंदर जो है वो आपने वो करना है, अपनी कोई भी आपके पास जो रफ कॉपी है जो भी आपके घर में, ये प्रैक्टिस है क्योंकि प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है मैथमेटिक्स में। तो लेक्चर नंबर 1 में एक्सरसाइज हमने सेट के अंदर एक्सरसाइज नंबर 1.1 से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, आप उससे ही घर में इसकी प्रैक्टिस कीजिए। लेक्चर नंबर 2 से एक्सरसाइज नंबर 1.2 से आपने ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने, इसी तरीके से आपने लेक्चर नंबर 3 से ये जो है आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, और ये लेक्चर नंबर 3 के भी क्वेश्चन आपके पास अभी और भी होंगे जो मुझे समझाना है। अच्छा अगर आपके पास लैपटॉप पे स्क्रीनशॉट का ऑप्शन नहीं तो आप लिखिए, अभी मेरे पेज पे यही जो है वो मौजूद है, लेक्चर नंबर 3 का है जो अभी हम लेक्चर ले रहे हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस अभी मुझे समझाने जो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो मैं और अच्छी तरीके से इसको कर दूंगी। अभी तो आप देखिए मुझे समझ में नहीं आता रफ काम किसे कहते हैं, हर चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अपने घर में कोई भी आपके पास जो कॉपी ऐसी है जिसके अंदर पेजेस है उसके अंदर अच्छी तरीके से अपना मार्जिन लाइन बनाकर अच्छी तरीके से काम कीजिए, और फिर जो असाइनमेंट है वो इन्हीं पूरे सबसे जो है वो क्वेश्चंस लिए गए हैं, और वो क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर के लिए बहुत नेसेसरी है, उसके अंदर जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज थे वो दिए जा चुके हैं, और आपने यानी मतलब आप इसको करेंगे और अपना इसको असाइनमेंट को करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी यूनिट नंबर 1 की बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। और लेकिन ये आपने मुझे सबमिट नहीं करवाना है, ये आपकी अपनी प्रैक्टिस है, ठीक है ना बेटा, ये आपकी अपनी प्रैक्टिस है, और आपने जो है वो इंशाल्लाह ताला आई होप के ये लेक्चर क्लास आपके लिए फायदेमंद होगी। और बार बार मैं आपसे कहती हूँ प्रैक्टिस कीजिएगा, मैंने आपको पढ़ा दिया लेकिन आपकी जो प्रैक्टिस है, ओके ओके कर दी बेटा, मैं ये हम रिपीट कर ही रहे हैं ताकि आप जो लिखना चाहते हैं और जो करें, और अपना ख्याल रखिएगा और बहुत अच्छा और बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है बेटा। असाइनमेंट की डेट 30 जून है और इंशाल्लाह जो है वो आपका ये लेक्चर हो भी जाएगा इसमें कंप्लीट, तो आप इसको मुझे सबमिट करवा दीजिएगा, ओके ठीक है ना। और अगर आप नहीं कर सकें तो एक दूसरे के साथ शेयर कर लीजिएगा प्लीज, जिसने स्क्रीनशॉट ले लिया है। ओके स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा और बहुत बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा। मैथमेटिक्स हम सामने होते तो स्टूडेंट्स से मैं इसकी प्रैक्टिस भी करवाती, लेकिन अभी थोड़ा सा हमारे पास टाइम ऐसा है तो हमने यहीं पर आपको इंस्ट्रक्शन करनी है। चलिए ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ओके अल्लाह हाफिज़।